सुप्रीम कोर्ट ने मकानों को गिराने को लेकर एक ऐतिहासिक आदेश दिया है और कहा है कि बिना नोटिस या बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए किसी का भी मकान नहीं गिराया जा सकता है। और जिस मामले में कोर्ट ने ये फैसला दिया है उसमें जो याचिकाकर्ता थे उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया है। हमारे साथ याचिकाकर्ता जो यूपी के महाराजगंज के रहने वाले हैं, पत्रकार भी हैं पेशे से, मनोज टिबड़ेवाल खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, क्या मामला था आपका, क्या आप क्या तकलीफ लेकर सुप्रीम कोर्ट आए थे? निपुण जी, सवाल यह है कि हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, क्या 21वीं शताब्दी में ऐसा हो सकता है कि आप घर के अंदर रह रहे हों और जबरदस्ती घर से आपको खींच कर बाहर निकाला जाए और बिना किसी गलती के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मुआवजे के, बिना अधिग्रहण के सामानों सहित मकान को जमींदोज कर दिया जाए, इवन इतना समय न दिया जाए कि मंदिर और कैश बॉक्स आप निकाल सकें। 13 सितंबर 2019 को ये मेरा मकान इस स्थिति में रहता है, दो मंजिला मकान है महाराजगंज जनपद मुख्यालय का, मेरे दादाजी ने रजिस्टर्ड बैनामे से इसको खरीदा था। 12 तारीख को एनएच के इंजीनियर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं पीला निशान लगाया गया है, 5 फीट अपना मकान तोड़ लीजिए। हमने 5 फीट तोड़ लिया। उसके बाद अचानक धोखे से कई बुलडोजरों को एक साथ भेजा जाता है और ये पूरे मकान को जमींदोज कर दिया जाता है। जमींदोज करने के क्रम में हमारे शौचालय और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं तक को बंद कर दिया गया। हमारे घर के मंदिर से लेके टीवी, फ्रिज, शटर, दवा की दुकान सबको जमींदोज। और ये देखिए दवाओं का स्टॉक 1957 की ईट। और उसके बाद मैं इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक लेटर पिटीशन दिया, फिर स्वतः संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले का लिया। इसके अलावा मैंने एनएचआरसी में एक शिकायत की थी, तो एनएचआरसी चेयरमैन श्री एचएल दत्तू सर ने एक टीम भेजी, स्पॉट इंक्वायरी हुई। स्पॉट इंक्वायरी में मेरी बात सही पाई गई, बर्बर जुल्म और अत्याचार पाया गया। इसके बाद एनएचआरसी ने आदेश दिया यूपी सरकार को, डीजीपी यूपी को, कि तत्काल मेरी शिकायत पर, तहरीर पर सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इसकी जांच यूपी सीबीसीआईडी से कराई जाए। निपुण जी, इसके अलावा दूसरा था कि सभी दोषियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल प्यूनिटिव एक्शन स्ट्रिक्ट लिया जाए। तीसरा कि क्या नाम, 5 लाख का एंट्री मुआवजा दिया जाए, लेकिन यूपी सरकार इसको नहीं मानी। इससे भी हैरानी की बात यह है कि यूपी सरकार को जब मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने स्वयं एक जांच कराई जो बस्ती के तत्कालीन कमिश्नर ने की थी, जो सीनियर 1998 बैच के आईएएस अफसर हैं। उनकी जांच 27 फरवरी 2020 को होती है, वो स्पॉट इंक्वायरी करते हैं, सभी पक्षों का बयान लेते हैं, जरीब लगाकर सड़क नपवाते हैं, पाया जाता है कि मेरा मकान इलीगल तोड़ा गया है, अवैध तोड़ा गया है। और उनकी रिपोर्ट यहां पर शासन में आती है जिसमें साफ साफ ये अनिल कुमार सागर आयुक्त बस्ती के हैं जिन्होंने कहा कि तत्कालीन जिलाधिकारी पूरी तरह से दोषी हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं। फिर आज सुमोटो कॉग्निजेंस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय देने का काम किया है। मैं अत्यंत आभारी हूं अपने पत्रकार मित्रों का और देश की सुप्रीम कोर्ट का कि देश में कानून का राज है। अब मुझे उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका यूपी गवर्नमेंट कंप्लायंस करेगी। बिल्कुल, देखिये यहां पे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2019 में ही मनोज जी ने एक चिट्ठी भेज दी थी अपने साथ जो अत्याचार हुआ है उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया था। 2020 में नोटिस भी जारी किया था महाराजगंज के डीएम को। अब जाकर इनको न्याय मिला है और न्याय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है उसकी बात जरा इनसे समझ लेते हैं। एक तो मुआवजे का आदेश दिया, वो कितना मुआवजा है, क्या वो अंतरिम है या वो अंतिम है, और इसके अलावा क्या चीजें कही है कोर्ट? निपुण जी, अभी मैं इंतजार कर रहा हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिटेल्ड आर्डर का, लेकिन जो मैं समझ पाया उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे 25 लाख रुपए का इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए कहा, प्लस कहा कि जो है यूपी के चीफ सेक्रेटरी इस मामले में जितने भी दोषी हैं मेरी शिकायत को लेकर के उन सभी के खिलाफ क्रिमिनल एंड डिपार्टमेंटल एक्शन लें और इसके एक महीने के अंदर लें, और इसके अलावा देश भर के सभी चीफ सेक्रेटरीज को जो है अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से एक पत्र भेजा जाएगा आज के आर्डर का कि किसी के भी मकान को बुलडोज करने से पहले
क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है इसका निर्धारण किया है। जैसे उसमें उन्होंने ये कहा है कि रोड की पैमाइश हो, पहले कितनी चौड़ी सड़क अभी है उसको कितना चौड़ा करना है, अगर किसी का मकान उसके दायरे में आ रहा है तो उसको अधिग्रहण करना है उसका, या उसको नोटिस देकर उससे उसको जवाब देने का मौका दिया जाना, यही बातें कही है कोर्ट ने जी। अभी इसका डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो हमें पता चलेगा, लेकिन मोटा मोटी है कि बिना किसी लिखित नोटिस के, बिना जमीन के मालिकाना हक के निर्धारण किए अचानक आप किसी का मकान नहीं गिरा सकते। जो मनमानापन चल रहा है वो नहीं चलेगा देश में, देश में कानून का राज है। ये सभी राज्यों के लिए लागू है जी, सभी राज्यों के लिए, और हम लोग डिटेल्ड ऑर्डर का निपुण जी वेट कर रहे हैं। एक बात मैं और समझना चाहूंगा आपसे, मैं सुनवाई को पूरा देख रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, चीफ जस्टिस ने और उनके जो सहयोगी जज थे जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, उन्होंने हैरानी जताई थी इस बात पर कि 3.7 स्क्वायर मीटर अगर वो इलीगल था या अतिक्रमण था या वो रोड पर आ रहा था तो उसको हटाने के बजाय पूरा का पूरा मकान ही क्यों गिरा दिया, ये क्या बात है जरा इसको भी समझाइए। देखिए उसमें करप्शन का एंगल शामिल था, सड़क बन रही है, सड़क बनने से पहले जब भी कोई सड़क बनती है तो इंडियन रोड कांग्रेस का ये रूलिंग है कि पहले डीपीआर तैयार करते समय हमें लिखना है कि अवेलेबल रो कितनी है। मेरे मकान के सामने मात्र 16 मीटर थी जिसे इलीगली इंजीनियरों ने और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी इसको 30 मीटर दिखा दिया, जबकि 30 मीटर रोड है ही नहीं, मात्र 16 मीटर है। किसी को मुआवजा न देना पड़े, अंधेरगर्दी करके डरा करके तोड़ दिया जाए, तो एक जनरल मुनादी कराई कि आप सभी लोग 16-16 मीटर तोड़ लें। लोग दहशत में आके तोड़ लिए, बेचारे क्या करें गरीब आदमी, कई लोगों ने तो आत्महत्या कर ली, उनके पास रोजगार का साधन नहीं बचा। लेकिन अकेला मैं मकान नहीं तोड़ा और मैं लगातार डीएम को रिप्रेजेंटेशन देता रहा। मेरी माँ लक्ष्मी देवी टिबड़ेवाल के हस्ताक्षर से 4 जुलाई 2019 को जिलाधिकारी महाराजगंज को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कि अगर मेरा मकान लिया जाता है तो मुझे मुआवजा दे दिया जाए। इसको रद्दी की टोकरी में तत्कालीन जिलाधिकारी ने फेंक दिया और इलीगली पूरे मकान को डिमोलिश कर दिया सिर्फ करप्शन, ताकि जल्दी सड़क बने और जो हमारे कमीशन खाना है वो हम खाकर सतर्क। 1950 के दशक का बना हुआ मकान था आपका? जी 1960 में बना हुआ था और मेरे दादाजी ने रजिस्टर्ड बैनामे से खरीदा था। इसको एग्जामिनेशन सभी अथॉरिटीज ने करा लिया, मैं अपनी जगह सही था, तभी 12 सितंबर को कहा कि आपको मात्र 5 फीट तोड़ना है। और अचानक 24 घंटे पहले के निर्णय को डीएम ने किन रहस्यमय परिस्थितियों में बदला या विस्तृत जांच का विषय है। देखिए मनोज जी के मामले में जो फैसला आया है वो दो मायने में ऐतिहासिक है। पहला, देश भर में इस तरह की कार्रवाई के लिए एक दिशा निर्देश तो तय किया ही है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, इस मायने में ऐतिहासिक है कि ये दिखाता है कि एक जागरूक नागरिक अगर न्यायपालिका में अपनी लड़ाई को लड़ता है तो वो क्या कुछ हासिल कर सकता है खुद के लिए और देश के दूसरे सभी अपने जैसे नागरिकों के लिए। मनोज टिबड़ेवाल ने हार नहीं मानी, उन्होंने लगातार अपनी लड़ाई लड़ी और आज ये स्थिति आई है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने न सिर्फ इन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, ये अंतरिम मुआवजा है, ये और मुआवजे की मांग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति इन्हें दी है। जो दोषी अधिकारी है उन पर डिपार्टमेंटल यानी विभागीय और आपराधिक कार्रवाई के लिए कहा है और साथ ही साथ देश भर के लिए दिशा निर्देश भी तय कर दिए हैं कि बिना नोटिस और बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए इस तरह से डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो कई मायनों में ये ऐतिहासिक फैसला है और इस जीत के लिए मनोज टिबड़ेवाल जी को बधाई और देश के सभी नागरिकों को बधाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।